नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज एमपी की बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 17 नवंबर को वोटिंग होगी और परिणाम भी 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो वार पलटवार का दौर होता है, जो घोषणाओं का दौर होता है, वो शुरू हो गया है। जनता के बीच तमाम दल पहुंच रहे हैं और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कह सकते हैं कि तू डाल डाल और मैं पात पात की तर्ज पर काम हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में 10,000 रुपए सालाना किसानों को दिया जा रहा है और इसके साथ साथ लाडली बहन योजना के नाम पर पहले 1,000 और इसके बाद जब कमलनाथ ने घोषणा की कि वो महिला सम्मान यानी कि नारी सम्मान के नाम पर 1,500 रुपए देंगे, तो शिवराज सिंह चौहान ने ये राशि बढ़ाकर 1,250 कर दी और इसके साथ उन्होंने आगे भी कह दिया कि हम 3,000 रुपए भी कर देंगे इसको। ये चीज यहीं तक नहीं रुकती। अगर अब सिलेंडर की बात की जाए, महिलाओं को लुभाने की बात की जाए, तो सिलेंडर के दाम जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने कमलनाथ ने दावा किया कि वो सिलेंडर के दाम 500 रुपए कर देंगे अगर वो जीतते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि वो 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। और अगर तेलंगाना की बात की जाए तो केसीआर ने तो कह दिया कि वो 400 रुपए में ही सिलेंडर दे देंगे। ये तमाम तरीके की फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं और इसके साथ साथ शिवराज सिंह ने यह भी बोला कि 12वीं के जो टॉपर हैं, करीब 9,000 टॉपर हैं, उनको स्कूटी तक दी जाएगी। तमाम तरीके से लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज की चर्चा में हम तमाम चीजों को बात करेंगे क्योंकि फ्री की रेवड़ियां जो बांटी जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं राज्य जो हैं वो घाटे की ओर जा रहे हैं। राज्यों पर जो ऋण है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश को कई बार चेतावनियां भी दी हैं कि आप लोग फ्री की रेवड़ियां और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, आखिर पैसा कहां से आएगा? क्योंकि राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश, इन दोनों ही जो राज्य हैं इन पर बहुत ज्यादा ऋण हो चुका है। तो आज हम सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे वो टॉप 10 सीट जहां पर प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो ये जो टॉप 10 सीट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो खड़े हैं वो बुधनी से खड़े हुए हैं, बुधनी विधानसभा सीट से, और उनकी टक्कर पे जो विक्रम मस्ताल को खड़ा किया गया है कांग्रेस की तरफ से, शिवराज सिंह चौहान अपने गढ़ बुधनी से ही इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। और कांग्रेस ने इस बार टीवी सीरियल में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है। 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता अरुण यादव को मैदान में उतारा था। अरुण यादव की करारी हार बुधनी में हुई थी, जिसके बाद अब नया कैंडिडेट खड़ा किया गया है। विधानसभा सीट डबरा की अगर बात की जाए तो यहां पर भी मुकाबला जो है वो इमरती देवी और सुरेश राज के बीच में देखने को मिलेगा। वहीं विधानसभा सीट दतिया की बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा और अवधेश नायक के बीच यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दे चले कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और पार्टी इस बार भी उन्हें ही टिकट दिया है। नरोत्तम मिश्रा से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने अवधेश नायक को मैदान में उतारा है। अवधेश नायक एक समय में नरोत्तम मिश्रा के ही करीबी रह चुके हैं। अब विधानसभा सीट इंदौर एक की अगर बात की जाए तो यहां पर कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच मुकाबला है। कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो बीजेपी से हैं। दरअसल एक बार फिर से वही ग्राफिक्स चलाइए जो अभी चलाए थे। कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो बीजेपी से हैं और वहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो संजय शुक्ला हैं। बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो इंदौर एक से चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे मुकाबला के लिए कांग्रेस ने सीटिंग विधायक यानी कि संजय शुक्ला को ही मैदान में उतारा है। और कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। अब दोनों ही सियासी मैदान में आमने सामने हैं और जीत का दावा ठोक रहे हैं। वहीं विधानसभा सीट सुर्खी की अगर बात की जाए तो यहां पर गोविंद सिंह राजपूत और नीरज शर्मा आमने सामने खड़े हुए हैं। अब बात हम परिवारवाद की और वंशवाद की अगर करें तो वो भी हम दिखाते हैं कि वंशवाद और परिवारवाद भी बहुत ज्यादा कांग्रेस में देखने को मिल रहा है।
तो अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि परिवारवाद और वंशवाद कितना है इस बार मध्य प्रदेश में जो अभी उम्मीदवार उतारे गए हैं। जरा ग्राफिक्स दिखाइए एक बार। इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन को उतारा गया है, टिकट दिया गया है और ये सूची हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहीं जबकि उनके बेटे जयवर्धन सिंह को रघुगढ़ से मैदान में उतारा गया है और इस तरह से भाई लक्ष्मण सिंह को भी टिकट दिया गया है, भतीजे प्रिव्रत को भी मैदान में उतारा गया है। आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, वो कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे इस चर्चा में। तो सीधे अपने मेहमानों का रुख करेंगे जो हमारे साथ इस वक्त गेस्ट जुड़ रहे हैं। तो सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विजय कौशिक हमारे साथ जो नेता कांग्रेस हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। सत्येंद्र जैन, जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ बोले कि वो 1500 रुपए महिलाओं को देंगे नारी सम्मान के तहत, तो शिवराज सिंह सामने आए, उन्होंने 1250 कर दी राशि जो पहले 1000 रुपए देते थे और यह भी टैग लगा दिया कि आगे चलकर वो 3000 देंगे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं खुद ही कि फ्री की रेवड़ी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देश में खतरा पैदा हो रहा है, फिर आखिर आपकी पार्टी इसी राह पर क्यों चल रही है? सत्यम जी, देखिए मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र उनका केंद्र होता है और जो भी नीति हम बनाते हैं उसमें स्वावलंबन लगता है और उसमें कभी ऐसा नहीं, ये परजीवी वाली राजनीति और परजीवी वाली जो नीतियां हैं उनको भारतीय जनता पार्टी कभी बल नहीं देती है। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और उस सर्वजन सुखाय में हमारे जो भारत के अंदर, अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ऐसे हमारे देश में मध्य प्रदेश के प्रदेशवासी जो कि शोषित पीड़ित वंचित हैं उनके लिए काम करना है, या देश की बात करें तो देश में भी शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय। अंत्योदय की भावना को हम लेकर के चले हैं तो हमने उसी बात को आगे बढ़ाया है, हमने कभी इसमें आगे नहीं बढ़े। हाँ, आपने जो जरूर कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, सभी देश सभी राज्यों के लिए कह रहा है, यूनियन टेरिटरीज में जिनकी सरकार है उनको भी कह रहा है कि इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी फ्री की रेवड़ी है, मुफ्त कल्चर जो दे रहे हैं, परजीवी जो बना रहे हैं और कहाँ पर स्वावलंबन हो रहा है। तो स्वावलंबन अगर जहां पे भी हो रहा है तो वो बात है भारतीय जनता पार्टी ने स्वावलंबन एक शब्द को लेकर के जो भी योजनाएं बनाई हैं, जो आपने अभी बताया, ये सारे के सारे स्वावलंबन को बढ़ाती हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा, तो आपने जैसे महिला लाडली बहना योजना की बात की, तो हमने कोई कांग्रेस को देख करके नहीं लाए, अगर कांग्रेस को देख करके लाए होते तो हम लाडली लक्ष्मी योजना नहीं लाते। हम तो लाडली लक्ष्मी योजना दशकों से चला रहे, 2007 में हमारे यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना हमने लागू की थी मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश देश के अंदर और दुनिया के अंदर पहला ऐसा मॉडल स्टेट बना है जिसकी इस आदर्श राज्य जैसी संकल्पना में सिद्ध हुआ है, और उसी योजना को भारत के अन्य राज्यों में भी लागू किया गया और दुनिया के दूसरे देशों में भी उस योजना को लागू किया। इसका सुखद परिणाम ये रहा कि कई बार हमको देखिए, समाज का स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो उसमें महिला और पुरुष की भागीदारी बराबर होना चाहिए, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो चाहे वो जनसंख्या का क्षेत्र हो। तो उसमें जो लिंगानुपात है, जो हमारा 917 आ गया था आज मध्य प्रदेश। अच्छा सत्येंद्र जैन, ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये आपने तमाम चीजों की व्याख्या करी एक तरीके से सत्येंद्र जैन। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव जब नजदीक हो, इस तरीके की घोषणा चाहे आपकी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इस तरीके की घोषणा करना कहां तक सही है? क्या आप विकास के एजेंडे से अपनी चीजों को सामने नहीं रख सकते हैं? क्या विकास के एजेंडे से अपने वोट बैंक को नहीं साध सकते, वोट नहीं मांग सकते क्या मध्य प्रदेश में? देखिए, आपने यक्ष प्रश्न प्रारंभ किए हुए खड़े किए हैं, मैं बता दूं उनका जवाब। विकास हमारा मूल मंत्र है और आप देखिए जिस प्रकार से, अगर आप जो आपने बोला अर्थतंत्र पे भार पड़ता है, तो एक कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी और इन लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के अंदर आप देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर क्या स्थिति है, वहां का राज्य का जीडीपी जो है
वो जीडीपी से 50% से ज्यादा वहां ऋण ले लिया। आज मध्य प्रदेश में अगर जीडीपी टू लोन रेशो देखेंगे तो आज हमारा वो 30% से के आसपास है। और आप देखिए इसी प्रकार से राजस्थान को ले लीजिए, कांग्रेस की सरकार है मध्य प्रदेश 5 लाख करोड़ से ज्यादा की। सुनिए मैं सारी बात बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश का भी मैं बता दूंगी आपको 30% से कम। और जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है या कर्नाटक में आप देखिए जो कांग्रेस की सरकार है, तो ये सरकार क्या कर रही है, जो जीडीपी का जो रेशो है आज 40% के ऊपर चला गया राजस्थान में। आज राजस्थान में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज 12-14 लाख करोड़ की जीडीपी है और 3.75-3 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है। 3.14 लाख का बजट है मध्य प्रदेश में और उससे कहीं ज्यादा का कर्ज है मध्य प्रदेश में। और ऐसा इससे ज्यादा हाल बुरा है जो राजस्थान का भी है, इससे भी बुरा हाल जो मैं बता रहा हूँ राजस्थान का। अगर मैं बता दूं 2.65 लाख करोड़ का बजट है इनके पास और 5.31 लाख का कर्ज है। हाँ जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सत्यम जी, आपने सही बात, आपके एएमबी चैनल को धन्यवाद देता हूँ, ये सही बात आपने उठाई कि जहाँ बजट 2,65,000 करोड़ का है और उनका कर्ज कितना 5 लाख करोड़ के ऊपर हो गया। भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने नया स्तंभ दिया है और नया स्तंभ लेने के कारण आर्थिक स्तंभ दिया और जो आर्थिक स्तंभ के कारण देखिए आज बजट 3,14,000 करोड़ है, थोड़ा सा ही कर्ज हमारा बड़ा है जो बजट से। लेकिन ये क्यों हुआ है, कोरोना के काल में आप देखिए 2,65,000 करोड़ का 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है राजस्थान का। तो इस प्रकार की विकृतियां जो है कांग्रेस शासित राज्यों में, आम आदमी पार्टी शासित राज्यों में, या पीटीएमसी और दूसरे विपक्षी दल में, चाहे जो टीआरएस ले लीजिए जिसको आजकल बीआरएस बना दिया है, या डीएमके ले लीजिए महाराष्ट्र तमिलनाडु के अंदर, उसने कर दिया है, वो ये लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इनको सोचने की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने आज भी मध्य प्रदेश की अगर आर्थिक संबंध की बात करें तो माननीय शिवराज जी ने, ये चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में भी अगर आपने जो बात कही, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने जब बजट का प्रावधान किया तो हमने विकास से समझौता नहीं किया, क्योंकि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 1 रुपए लगाते हैं तो हमारा जीडीपी में 4 रुपए से ज्यादा लौट करके आता है। तो उस बजट को हमने 57,000 करोड़ कर दिया। इस वर्ष जो आप देखिएगा, इस वर्ष हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जबकि ठीक है सर ये चुनावी वर्ष है और हम चाहते तो हम चुनावी वर्ष में रेवड़ियां देने के लिए जो आप कह रहे हैं जिस प्रकार से, तो समझौता कर सकते थे। इस बजट को हम अविनाश सिंह के पास मैं आऊंगा, ठीक है हिमांशु आप जरा 10 सेकंड ग्राफिक्स चलाइए विंडो में, ठीक है मैं अविनाश जी के पास आऊंगा। 57,000 करोड़ हो जाता कर दिया हमने, ये कम नहीं किया और ये चुनाव चल रहा है, अगर चाहते तो हम इसको 40,000 करोड़ कर देते, लेकिन हमने विकास में कोई समझौता नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार का मॉडल है, इनको विपक्षियों को बताना पड़ेगा कि कैसे जीडीपी से 50-60% से ज्यादा ऋण हो गया, किस प्रकार से राजस्थान के अंदर आप देखिए 5.5-5.5 लाख करोड़ का कर्ज आप बता रहे हैं। तो ये इनको कांग्रेस को बताने की जरूरत है, कांग्रेस इसको बताए कैसे ये परजीवी बनाती है। ठीक है अविनाश जी के पास मैं जाऊंगा। अविनाश जी जिस तरीके से चुनाव पास आते हैं तो सभी दल तमाम तरीके की घोषणाएं करते हैं, फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रेवड़ी कल्चर से क्या जनता का कल्याण होगा या फिर फ्यूचर जो है जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी सत्यम जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, शायद पहली बार आपके चैनल में आ रहा हूँ, आप अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी कांग्रेस के नेता से पहले मेरी अन्य चैनल पर बात हो चुकी है, बहुत अच्छे आदमी है और हाँ बहुत बड़े आदमी है और बहुत मीठा बोलते हैं, पर गलत पर मीठा जहर झूठ। खैर मैं मूल बात पे आता हूँ, जो आपका सवाल है आपको याद रखना पड़ेगा सत्यम जी, मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट था, आज से 5-15 साल पहले मध्य प्रदेश एक बीमारू स्टेट था। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में अपने 3 बार के कार्यकाल में उस बीमारू स्टेट को बाहर निकाल करके आज उस मानचित्र पे रखा हुआ है जहां पे वो डेवलपिंग स्टेट नहीं, बिग डेवलपिंग स्टेट, बड़ा स्टेट। सेकेंड, आप कोई भी एग्रीकल्चर का आप डेवलपमेंट देखिए इस देश में 15 साल में मध्य प्रदेश ने लीड लिया है, 13-15% एनुअल ग्रोथ उनका एग्रीकल्चर करा। तीसरा, जो बिजली की, रोड की और जो वहां पे स्मार्ट सिटी की जो स्थिति है, हर साल इंदौर भोपाल ये ऐसी जो सिटी है वो स्मार्ट सिटी के रेस में नंबर वन आता है। आप देखिए आईटी को ले लीजिए या टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठानें वहां बन रही है, डीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी वहां पे ऑफिस खोल रही है। मैं खुद
वहां जा चुका हूं, काम करता हूं, और रिलीजियस जो प्लेस है, जो मंदिर है, उसका उद्धार हो रहा है। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो आप कर्ज किस काम के लिए लेते हैं, क्या कर्ज इस वजह से लिया जाता है कि लोगों का सामर्थ्य बढ़े, वो कर्ज ठीक है, पर अगर कर्ज केजरीवाल की तरह अगर आप लोगों में रेवड़ी बांटने के लिए लेते हैं और गरीब को आश्रित बनाते हैं, अपने रेवड़ी पे आश्रित बनाते हैं, जो कांग्रेस ने 70 साल किया, मुसलमान को आश्रित बनाया, दलित को अपने ऊपर आश्रित बनाया, गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया, उनको अपने आश्रित बनाया, और सोचिए बिहार जैसे राज्य में जाति जनगणना में ओबीसी और ईबीसी अलग है, मतलब ओबीसी के अंदर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट पैदा हो गया 35 साल लालू यादव और जदयू की सरकार, नीतीश की सरकार, 35 साल में इन्होंने गरीब को और गरीब किया। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, खास करके जब से मोदी जी आए हैं, आप देखिए देश का जितना भी फाइनेंशियल बेसिक होता है, चाहे वो प्राइस कंट्रोल हो, चाहे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, चाहे बैंकिंग का आप नॉर्म्स देखिए, सारे लोग, विश्व के सारे लोग हिंदुस्तान को ब्राइट स्पॉट कह रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं है? वो भी हिंदुस्तान में है, पर इन सब के बावजूद मोदी जी पे पूरे विश्व का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का इतना भरोसा है कि हर महीने वो हिंदुस्तान का रेटिंग बढ़ाते हैं और मोस्ट फेवर्ड नेशन, बेस्ट नेशन की कैटेगरी में डालते हैं, और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद नंबर दूसरा स्टेट है जहां पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, FDI आ रहा है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ढांचागत जो डेवलपमेंट करने के लिए, बीमारू स्टेट से बाहर निकालने के लिए जो लोन लिए गए और रेवड़ी बांटने के लिए जो लोन लिए जा रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का नहीं, आसमान और पाताल का फर्क। ठीक है सर, विजय कौशिक, मैं आपके पास आऊंगा। विजय कौशिक, एक ट्वीट में पढ़ रहा था खरगे जी का है कि उन्होंने कांग्रेस की गारंटी देखी ना, कांग्रेस की गारंटी देखी, वो मजाक लगता है। आप 22 गारंटी दे रहे हैं और मजाक कर रहे हैं जनता के साथ। ठीक है, मैं वापस, 1.5 साल में कमलनाथ ने जो किया। अविनाश जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। कौशिक जी का नंबर, बड़ी देर से वो बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं, मुझे लगता है आप दोनों को अब नहीं बोलना चाहिए इनके बीच में। अविनाश, माफ करिएगा कौशिक साहब, मैं एक खरगे जी का ट्वीट है, उन्होंने लिखा था, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बटने, तो मध्य प्रदेश में आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? क्योंकि कर्नाटक, मुझे लगता है कर्नाटक की थीम में, जिस तरीके से कर्नाटक में आप जो मॉडल लेकर चले थे, उसी थीम पर मुझे लगता है मध्य प्रदेश में वही जादू चलाना चाहते हैं। लेकिन कर्नाटक वाला जो आपका जादू है, वो भी बता दे रहा हूं आपका कितना भारी पड़ रहा है। कर्नाटक में 3 लाख करोड़ का बजट है और कर्ज हो गया है 5 लाख करोड़ का आपके ऊपर। ऐसे में जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर ये भार बढ़ रहा है, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इससे कहीं ना कहीं इसका खामियाजा वो भुगतेंगे आगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। कर्ज की आप बात कर रहे हैं कर्नाटक की, वो भाजपा सरकार की देन थी, भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की देन थी, पहली बात। दूसरी बात, अभी जैसे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, तथ्य क्या है इनके पास ये बोलने का? देखिए आप ही बोल लीजिए अविनाश भाई, प्लीज प्लीज, मेरी तरफ से आप ही बोल लीजिए। सॉरी सॉरी, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए कांग्रेस का अपना एक तरीका, तथ्य मांगा था बस, कांग्रेस का अपना एक तरीका है और उस तरीके के तहत हम जन कल्याण की योजनाएं लाते हैं और जन कल्याण करते हैं। जैसे भाजपा राज में, भाजपा दावा कर रही है कि जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन रही है, इस तरह से उठ रही है, लेकिन इसके अनुपात में आम आदमी की आमदनी वो ऐसे घट रही है। तो सवाल ये है कि अगर देश की तरक्की हो रही है तो आम आदमी की क्यों नहीं हो रही? तो उसका कारण है भ्रष्टाचार। भाजपा ने हर जगह भ्रष्टाचार फैला रखा है, लूट मचा रखी है। 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी भाजपा, आज ऑन रिकॉर्ड देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है भाजपा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नियत की बात है, हमारी जो नियत है वो सही है, हमने पहले भी जो वादे किए हैं वो निभाए हैं, और ये कहते हैं फ्री फ्री फ्री। अच्छा तो भैया मोदी जी, अच्छा एक जगह मैं रुकूंगा, माफी चाहूंगा विजय जी, अगर भ्रष्टाचार वाली, एक सेकंड, भ्रष्टाचार वाली पार्टी ये है बीजेपी, तो आप लोग इनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं लिखवाते हैं? जिस तरीके से वो आपके ऊपर ED CBI की कार्रवाई करवा रहे हैं, आप लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? आप लोग आखिर सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं? तमाम चीजों को लेकर उतरते हैं, जब संसद भवन नया बनवाया जाता है तब आप जमीन पर लौट जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो इन चीजों को लेकर प्रदर्शन क्यों नहीं करते भाई? आपकी अधिकार है आपको भी।
सुनिए, इस देश की पुलिस व्यवस्था केंद्र की सीबीआई ईडी सब सेंटर के अधीन है, राज्यों के अधीन है, और राज्यों की पुलिस के अपने अधिकार सीमित अधिकार होते हैं, केंद्र के ज्यादा अधिकार होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके घोटालों की जांच कराएगा कौन, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, कभी आप कहते हैं, कभी आपके नेता जो है राहुल गांधी वो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की अगर हत्या हो गई तो फिर हिमाचल में और कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे बन जाती है? आप तमाम तरीके का आरोप लगा के खुद ही फंस जाते हैं अपने आरोपों में। आपने आपने फंसाया क्या हमें? फिर हम कर्नाटक कैसे जीत गए, फिर हम हिमाचल कैसे जीते, हम मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं? तो अगर आपने हमें फंसा लिया, आप ही कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो आप ही विदेशों में जाके बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। या तो आपने एक सवाल किया, उसे सुन ले उसका जवाब, उससे पहले दूसरा सवाल, फिर तीसरा सवाल, सुनने ही नहीं चाहते, इसका मतलब आप ठीक है, जवाब दीजिए, पहले वाले का जवाब दीजिए। अरे तो पहला सुनो मेरी बात, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज भाजपा के अनुकूल फैसले देता है और उसके बाद रिटायर होते ही उसको तुरंत राज्यसभा दे दी जाती है, इसी तरीके से कई जजों को उपकृत किया जाता है भाजपा सरकार द्वारा, तो क्या है, हम कहां न्याय मांगे? भाजपा ने हर चीज में तो खड़ा कर दिया। आज सीबीआई ईडी का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, भाई भाजपा जब किसी राज्य की सरकार गिराने वाली होती है तो उससे पहले इनके विरोधी सब सीबीआई ईडी के रडार पर होते हैं, वो भ्रष्ट होते हैं, बेईमान होते हैं। उदाहरण के तौर पर शिवसेना के जो सांसद इन्होंने तोड़े, उनमें कईयों के खिलाफ सीबीआई ईडी जांच चल रही थी। आप जो पवार जी के भतीजे हैं अजीत पवार, उनका उदाहरण देख लीजिए, उनके खिलाफ हजारों करोड़ के घोटालों की जांच चल रही है, लेकिन जैसी सरकार को समर्थन दे दिया, उनके समर्थन से सरकार चल रही है, तो अब सब कुछ अच्छा है। राहुल गांधी के ऊपर भी तो ईडी सीबीआई लगी थी, लेकिन उन्हें कैसे न्याय मिल रहा है? जी राहुल गांधी को न्याय कैसे मिल रहा है फिर, अगर आप इन तमाम चीजों को करप्ट बता रहे हैं? भैया बीजेपी के साथ मिलकर राहुल गांधी जी को गोलियां लगवा दो, बीजेपी से क्या न्याय मिल रहा है? बीजेपी ने तो अपनी पूरी कोशिशें की है, क्या कोशिश? न्याय योजना फेल हो गया था। नहीं, क्या कोशिश? सत्येंद्र जैन का ऑडियो खोलिए एक बार। सत्येंद्र जैन बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं। राहुल गांधी लंदन में जाके कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और याचना करते हैं लंदन में जाके अमेरिका से और लंदन से ब्रिटेन से कि कृपया आइए और भारत में आकर के लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। और जब इसका जवाब दे दो, सुप्रीम कोर्ट और भी सवाल है, जमानत दे देता है इनके ऊपर, अभी इससे दे देता है तो इनका बढ़िया लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। और ये सारे के सारे काले में मतलब भारत की राष्ट्रघाती लोग हैं, काले में तो बीजेपी वाले होंगे करने जाते हैं, ठीक है? सबसे बड़े मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, राष्ट्रघाती कहें तो राहुल गांधी हैं। और मैं विजय कौशिक, ठीक है विजय से जवाब ले लेता हूं। विजय कौशिक, देश का संविधान ये कहता है अगर कोई विदेश की धरती है। सत्येंद्र जैन, समय की कमी है, विजय जी से जवाब लेने दीजिए, तो इनको आनंद आता है। ठीक है विजय जी, हो जाता है वही ईवीएम। देश का संविधान ये कहता है अगर कोई विदेश की धरती पर भी जाकर देशद्रोह का काम करता है तो भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर राहुल गांधी जी ने देशद्रोह किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी कहते रहे कि मुझे संसद में बोलने दीजिए, मैं अपने सबूत दिखाना चाहता हूँ, संसद के अंदर वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मैंने देश विरोधी कोई भी बात नहीं की है, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन भाजपा ने संसद में राहुल गांधी जी को ना बोलने दिया ना सबूत दिखाने दिए। मैं ये कहता हूँ कि जम्मू में अगर किसी बयान को लेकर पूछताछ हो सकती है राहुल गांधी से, तो भाई विदेश के बयान को लेकर भी आप सबूत मांग सकते हैं, किसने रोका है? लेकिन यह है भाजपा केवल ड्रामा करती है, ठीक है, कांग्रेस को बदनाम करने की साजिशें हैं इनकी, क्यों नहीं सुना इन्होंने? ठीक है, समय की कमी है, अविनाश जी 10 सेकंड में फाइनल प्रतिक्रिया आपसे चाहिए मुझे। बिल्कुल, बस दो तीन बात जल्दी जल्दी बोलूंगा। इन्होंने कहा कि भाजपा सबसे अमीर पार्टी, जिस गांधी खानदान ने एक दिन भी काम नहीं किया हो वो देश की सबसे अमीर परिवार कैसे हो गई, कांग्रेस प्रवक्ता बताएंगे। दूसरा आप ये देखिए कि जो एक चुप रहिए। उसके बाद दूसरी बात, ये पॉलिटिकल बात ये है, मध्य प्रदेश में सबसे बुरा इलेक्शन भाजपा ने पिछली बार 2018 में लड़ा और 9 सीट से आगे निकल गई कांग्रेस। इस बार का भी इलेक्शन कांग्रेस बहुत अच्छा तरीके से लड़ रही है, पर जितने कांटे का टक्कर है उसमें भाजपा 10 सीट से पिछले बार पीछे रह गई थी, इस बार भाजपा 10 सीट से आगे जाएगी, पर भाजपा की ही सरकार बनेगी ये तय है। सत्येंद्र,
ठीक है सत्येंद्र जी, 10 सेकंड में बात पूरी करिए। सत्यम जी मैं बताऊं, हम जन कल्याण के सारे मुद्दों से जा रहे हैं और हमने उनके कारण से जनता को भगवान माना है और मध्य प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी और लगभग लगभग दो तिहाई से ज्यादा, मतलब 200 सीट से ज्यादा आसपास हमारी 170 से 200 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। ये लोग जनता को भगवान राक्षस कहते हैं तो इनको राक्षस जो है जनता इनको जगह दिखा देगी। ठीक है सर, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला समय कम है, ठीक है, राक्षस कहते हैं। आज आइए सूची और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में द्वंद हो गया, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है और क्या कहा है कमलनाथ, कह रहे हैं कि ठीक है सर समय कम है, विजय कौशिक 10 सेकंड में बात करेंगे। हिंदू बनना बाकी है, ये भाई राउंड कर दीजिए, विजय कौशिक को बोलने दीजिए, उनका नंबर है। मोदी जी अगर घर घर भी जाकर झोली फैलाएंगे तब भी मध्य प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए, और आप मंदिर मंदिर जाके चुनावी हिंदू बनेंगे तो बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। चलिए समय की कमी है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद सभी उम्मीदवार भी सभी पार्टियां अपने अपने उतार रही हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से तमाम तरीके की घोषणाएं भी तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है, ऐसे में जनता किसके पाले में जाती है और किसको विजयी घोषित करती है, ये फिलहाल आने वाले जो आंकड़े होंगे, जो वोटिंग के बाद मतगणना होगी, उससे साफ हो जाएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।